दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हमारे प्रधानमंत्री भी कई बार ना गजब गजब काम कर देते हैं, खास तौर पर विदेश दौरों में तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। अब प्रधानमंत्री दोस्तों ब्रुनेई के दौरे पर हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक मस्जिद में जाकर अपनी अपीयरेंस दी, मतलब पीएम मोदी यहाँ की ऐतिहासिक मस्जिद में गए। जब पीएम मोदी मस्जिद में गए तो मुझे बीजेपी के एक नेता की दो दिन पहले दी हुई एक बात क्यों याद आई और वो बयान सुनकर क्यों मैं हैरान हो गई, मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन पहले पीएम की तस्वीर देख लीजिए। पीएम मोदी ब्रुनेई के ऐतिहासिक मस्जिद में विजिट करने पहुंचे। इसका नाम ब्रुनेई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन तृतीय के नाम पर रखा गया है। ये मस्जिद 1958 में बनकर तैयार हुई थी और भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का ज़बरदस्त स्वागत यहाँ पर किया। वो तो हर जगह होता है, आपने देखा ही, इंडियन डायस्पोरा जहाँ भी होता है उनको बुलाया जाता है यहाँ मोदी जी के स्वागत के लिए। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अपनी अपीयरेंस दी और इसके बाद इस वीडियो को खूब प्रसारित किया गया। देश भर के न्यूज़ चैनल्स ने, अखबारों ने इसको छापा भी और दिखाया भी कि देखिए प्रधानमंत्री 40 साल में पहली बार, पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जो ब्रुनेई गए। दोस्तों ब्रुनेई एक मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र है। दोस्तों ब्रुनेई बहुत छोटा सा देश है लेकिन संपत्ति अकूत है यहाँ। और यहाँ पीएम ने एक मस्जिद में जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अच्छी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं तो कम से कम तब तो मस्जिद में जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में तो प्रधानमंत्री मोदी मस्जिद भी नहीं जाते। और मुसलमानों को लेकर वो और उनकी पार्टी के लोग जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उसको देखकर और सुनकर तो ऐसा लगता है कि मोदी जी पता नहीं किसे घन चक्कर समझते हैं, यहाँ के देश की जनता को, अपने देश की जनता को या विदेश के लोगों को। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जब मस्जिद के चक्कर लगा रहे थे तो क्या उनको इस बात का एहसास था कि 3 तारीख को जब वो मस्जिद के चक्कर लगा रहे हैं तो उससे ठीक 2 दिन पहले 2 सितंबर को महाराष्ट्र के बीजेपी के विधायक नितेश राणे ने रैली में एक बेहद ही भड़काऊ बयान दिया था। दोस्तों बीजेपी के विधायक दरअसल महाराष्ट्र में मुसलमानों को चेतावनी दे रहे थे कि अगर महंत रामगिरी महाराज के बारे में कुछ बोला तो हम मस्जिदों में घुसकर चुन चुन के मारेंगे। बताइए दोस्तों, बीजेपी के विधायक मुस्लिम समुदाय के लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि हम तुम्हें मस्जिदों में घुस के चुन चुन के मारेंगे, है कि नहीं। इस पे काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, आपको तो पता ही है इस तरह की खबरें गोदी मीडिया भी खूब उठाता है, उसको उसकी फेवरेट टॉपिक में से एक खबरें हैं ये। लेकिन मैं हैरान हूँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ तो विदेश जाते हैं, खासतौर पर किसी मुस्लिम राष्ट्र जाते हैं तो वहाँ मस्जिद ज़रूर जाते हैं, और उनके पार्टी के नेता चुनाव आने पर मुसलमानों को चेतावनी देते हैं कि मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे। कमाल हो गया दोस्तों दुनिया आज के वक्त में ना बड़ी छोटी हो गई है। ज़रा सा यहाँ पर अगर कुछ हो रहा है तो विदेश में उसकी चर्चाएँ होती हैं। अब कोई नेता यहाँ अगर कोई बयानबाजी करता है तो हेडलाइंस विदेश में बनती हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी का दोगलापन कहें कि प्रधानमंत्री मोदी की मजबूरी कहें कि जब वो किसी मुस्लिम देश जाते हैं तो वहाँ मस्जिद ज़रूर जाते हैं। इसके अलावा कई मुस्लिम देशों में तो उनको सर्वोच्च सम्मान भी मिला है, लेकिन वो सब घर आकर भूल जाते हैं क्या? चलिए हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते मोदी जी आप भारत की किसी मस्जिद में जाएं, लेकिन भारत के मुसलमानों के खिलाफ आपकी पार्टी के लोग जो खुलेआम बयानबाजी करते हैं उनको तो कुछ सिखाइए, उनको तो कुछ कहिए कि भाई दुनिया देख रही है, जब मैं किसी मुस्लिम देश जाता हूँ तो वहाँ मुझे मस्जिदों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। खैर प्रधानमंत्री मोदी किसी से क्या कहेंगे दोस्तों, पूरे के पूरे लोकसभा चुनाव में तो खुद मोदी जी ने मुसलमानों के खिलाफ प्रचार करके वोट मांगे थे। शुरू मछली और मटन से और सावन के महीने से पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत की थी और उसके बाद मंगलसूत्र और भैंस और मुजरे तक आकर रुक गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने तो लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के लिए घुसपैठिए तक के शब्द का इस्तेमाल किया। तो प्रधानमंत्री तो खुलेआम पूरे लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहरीली बयानबाजी करते रहे, भाषणबाजी करते रहे, तो फिर अब उनके अपने विधायकों से वो क्या कहेंगे। लेकिन मैं हैरान हूँ दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री अपनी विदेश नीति को और धार देने के लिए किसी मुस्लिम देश जाते हैं और वहाँ मस्जिद में जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं तो क्या इस तरह की तस्वीरों को भूल जाते हैं। दोस्तों हरियाणा के चरखी दादरी और महाराष्ट्र के धुले में
दो घटनाएं हुई। दोस्तों दोनों ही राज्यों में डबल इंजन की सरकार है और दोनों ही राज्यों में मुसलमानों को टारगेट किया गया। दोनों ही मामले में पुलिस जांच कर रही, गिरफ्तारियां कर चुकी है, लेकिन ये अधिकार किसने दिया भीड़ को, ये पिछले 10 सालों से देश पूछ रहा है। ऐसा लगा था दोस्तों कि गठबंधन की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी की इस तरह की पॉलिटिक्स पर लगाम लगेगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं क्योंकि बीजेपी के पास हथियार ही यही है। दोस्तों सबसे ज्यादा हैरानी तो लोगों को फरीदाबाद की इस घटना को सुनकर हुई। फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा मतलब एक ब्राह्मण परिवार के लड़के को गौ तस्कर होने के शक में गोली मार दी गई और उस पूरे के पूरे मुद्दे के बाद आर्यन मिश्रा के पिता सामने आए हैं और उन्होंने जो बात बोली है, प्रधानमंत्री मोदी अगर सुनेंगे तो जब वो मस्जिद के चक्कर लगा रहे होंगे तो उनको कोई एहसास हुआ होगा क्या। दोस्तों जब आर्यन मिश्रा के पिता से इस बाबत सवाल जवाब किए गए कि आपके बेटे को गोली मार दी गई, गौ तस्कर होने के शक में आपके बेटे को गोली मार दी गई, और हालांकि इस पूरे मामले में अब गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन भाई किसी का जवान लड़का 19 साल का 12वीं पढ़ने वाले बच्चे को आप गोली मार दोगे गौ तस्कर होने के शक में, तो उसके पिता क्या कहेंगे। आर्यन मिश्रा के पिता ने यही कहा कि इस तरह की आजादी मोदी सरकार ने ऐसे लोगों को दी है, ऐसे लोगों को जो अधिकार दिया है कि वो किसी को भी गोली मार दें, तो मोदी सरकार ने ऐसे लोगों को अधिकार दिया है। यहां तो सोचिए हालत यह है कि मुसलमान तो टारगेट किए ही जा रहे हैं, अब ब्राह्मण परिवार के लड़कों को भी बकायदा गौ तस्कर होने के शक में गोली मार दी गई, और उसके बाद पिता ये कह रहे हैं कि ये अधिकार मोदी सरकार ने ऐसे लोगों को दिया है कि वो किसी को भी गोली मार देते हैं। बात ऐसी है दोस्तों कि आर्यन मिश्रा के मामले में मीडिया खूब इसको हाईलाइट कर रही है, सरकार के भी हाथ पांव फूले हुए हैं, लेकिन जिस हरियाणा में आर्यन मिश्रा को गोली मारी गई उसी हरियाणा के चरखी दादरी में एक मुस्लिम को भी टारगेट किया गया, क्या उस मामले में इतनी नाराजगी है, क्या उस मामले में इतने सवाल सरकार से पूछे जाएंगे, और उससे भी महत्वपूर्ण क्या ये सारी बातें मोदी जी जब विदेश दौरों में होते हैं, खासतौर पर किसी मुस्लिम देश के दौरे में होते हैं और वहाँ मस्जिदों के चक्कर लगा रहे होते हैं और भारतीय जो समुदाय के लोग हैं उनके साथ फोटो वगैरह खिंचा रहे होते हैं, तब मोदी जी को इन सारी बातों का एहसास होता है क्या कि किस तरह की पॉलिटिक्स है दोस्तों, कि मोदी जी देश के लोगों को विदेश में जाकर और घर में रहकर भी घनचक्कर बनाते रहते हैं। चुनाव के दौरान इंटरव्यूज में मोदी जी कहते हैं कि अगर उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी तो उन्हें राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है, उसी दिन वो राजनीति छोड़ देंगे। उसके कुछ घंटे बाद वो जाते प्रचार करने के लिए और फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी किसको बेवकूफ समझते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा, दुनिया बहुत छोटी हो गई है, ग्लोबलाइज हो गई है, ऐसे सोशल मीडिया में वीडियोस वायरल होते हैं और खबरें उसके बाद सुर्खियां बनती हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मुस्लिम विरोधी बयानबाजी अपने लोकसभा चुनाव के प्रचार में की थी ना, उसको भी काफी हेडलाइंस मिली थी, उसको लेकर भी काफी चर्चा विदेशी मीडिया में हुई थी। और अब प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है, लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि क्योंकि अब मोदी जी गठबंधन के धर्म को निभा रहे हैं, गठबंधन की राजनीति चला रहे हैं, वो भी ऐसी पार्टियों में जिसमें नीतीश कुमार और खास तौर पर चंद्रबाबू नायडू तो खास तौर पर अपने राज्य में मुस्लिम आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं और मुसलमानों को लेकर बहुत उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, मुसलमान उनको वोट करते हैं, तो मोदी जी या उनकी पार्टी इस तरह की राजनीति से बचेगी। लेकिन आप देखिए कोई फर्क नहीं आया है, जब चुनाव होते नहीं है, चुनाव आते ही इस तरह की खबरों की बाढ़ आ जाती है, और इन सब के बीच मोदी जी विदेश में एक मुस्लिम देश में जाके मस्जिद के चक्कर लगाते हैं, मतलब दोगलेपन की भी इंतहा है दोस्तों। या तो मोदी जी को बिल्कुल ही खबर नहीं कि उनके देश में क्या हो रहा है, या फिर मोदी जी को बेखबर होने की आदत हो गई है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और मेरी आपसे अपील है दोस्तों कि मैं पूरी तरह से यूट्यूब मैं आप लोग जो मेरे वीडियोस को देखते हैं उसके व्यूज़ के रेवेन्यू पर और आप लोगों के सब्सक्रिप्शन पर ही पूरी तरह से निर्भर हूँ, मैं एक पैसा कहीं बाहर से नहीं लेती। तो प्लीज़ जो वीडियोस हैं उनको आप पूरा ज़रूर देखें, उनको शेयर ज़रूर करें, और अगर हो सके तो थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन है दोस्तों जिनका ज़रूर ज़रूर इस्तेमाल करें। इसमें आप मिनिमम से मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना आप मदद करना चाहें उतनी कर सकते हैं, क्योंकि इसी के ज़रिए मेरी आज़ाद पत्रकारिता को सपोर्ट मिलता है।